Hi guys, welcome to the review with Mahavash. आज इस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करेंगे. उसका नाम है अलिफ अल्लाह और इंसान और आज हम अलिफ अल्लाह और इंसान की 7th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे. सबसे पहले करते हैं रिकैप. निगार बेगम ने रीना बेगम को बहुत सख्त सजा दी है, इसलिए क्योंकि रीना बेगम छुप के डांस सीख रही थी. दूसरी तरफ हमने ये देखा रानी जो कि रीना बेगम है अपने जुगी को याद करके रो रही हैं, उनकी माँ भी उनको याद करके रो रही हैं, वो मिस कर रही हैं अपनी फैमिली को. रानी रिग्रेट कर रही हैं अपने डिसीजंस को, वो अल्लाह ताला से दुआ भी मांगती हैं कि उनको किसी तरह इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए. लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ये राह अपने लिए खुद चुनी थी. वो नीचे फूल वाले से अच्छू से कोई थोड़े से इशारे में बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन चमन बेगम पकड़ लेती हैं उनको और फिर उसके बाद मजीद उनको थ्रेटन करती हैं. तो एक सॉर्ट ऑफ जेल सा माहौल है, विच शोज यू वन थिंग दैट एक तो ये कि जो चमकती चीज होती है वो सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. और दूसरी चीज ये कि एक और भी सीन आता है जिसमें हमने इस एपिसोड में देखा है कि एक द लाइफ ऑफ अ कॉर्टिजन यानी एक तवाइफ की जो जिंदगी होती है वो कैसी होती है. उसको बहुत ज्यादा पाबंदियों को फेस करना पड़ता है, उसको एक सॉर्ट ऑफ इंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट की तरह वो बनी होती है, एक जैसे चाबी वाला खिलौना होती है, वो उसकी एक लाइफ होती है. ऑल्दो इस कोठे में दिखाया गया है कि इसमें थोड़ी सी इनकी इज्जत ज्यादा है इन तवाइफों की, लेकिन ओवरऑल जो ये जिंदगी है तवाइफों की इन विच दे डांस एंड प्लीज जेंटलमैन, तो वो जो एक जिंदगी है उसके बारे में दिखाया गया है कि इसमें कोई इज्जत नहीं है, इस पेशे में कोई इज्जत नहीं है और इस लाइफ में कोई इज्जत नहीं है. दूसरी तरफ हमने नाजी को देखा है कि नाउ शी इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन बासित और ये सब इफेक्ट है उनकी दोस्तों के इनपुट का. उनकी दोस्तें जो हैं उनको बासित बड़ा पसंद है और बासित की भी जो थोड़ी सी इंक्लिनेशन है वो नाजी की तरफ बढ़ रही है. आगे जाके भी आई एम श्योर हमने ट्रेलर में देखा है और ओएसटी वगैरह की झलकियों में भी हमने देखा है कि शी इज गोइंग टू हैव दैट सोलिडिफाई दैट रिलेशनशिप विद बासित. लेकिन ऑब्वियसली इसके को बहुत अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे. एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन दैट हैपन्स बिटवीन कवीज कैरेक्टर एंड मिकाल जुल्फिकार कैरेक्टर दैट्स शाज़ेब्स कैरेक्टर, और वो ये है कि जस्तजू, जब इंसान के अंदर जस्तजू रहती है तभी उसको अल्लाह ताला की याद आती है, तभी वो रियलाइज करता है कि वो कितना कमजोर है. एक पोट है कि मैंने अपने इरादों को टूटने से खुदा को पहचाना है. सो समटाइम्स व्हेन यू हैव टू रियलाइज ह्यूमिलिटी या आपको अपनी कमजोरी का एहसास तभी होता है जब आपकी जिंदगी में कोई चीज आपको नहीं मिलती है, इसी तरह आप हम्बल भी होते हैं. वरना तो अगर इंसान को जिंदगी में जो वो चाहता है वो मिलता जाए तो फिर उसकी जिंदगी में उसको कैसे पता चलेगा कि इंसान की एक्चुअल हकीकत क्या है. सो आई थिंक ह्यूमन बींग्स की फ्रेजिलिटी को यानी वो कितने फ्रेजाइल हैं, वो कितने कमजोर हैं, हम लोगों की इंसानों की हैसियत क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े महलों में रहते हैं और हम बड़े बड़ी इस तरह की ईदड़ भक्कियां भी मारते हैं दूसरों को, लेकिन एक्चुअली हमारी हकीकत है क्या. हमें लगता है कि जो हमें मिल जाएगा उसके बाद विल बी रियली हैप्पी, लेकिन ऐसा होता नहीं है. और फिर जब ऐसा नहीं होता तब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली जिंदगी की हकीकत है क्या. जिंदगी में चाहे आपको लगता है कि अगर मैं ये टारगेट कर लूंगा, ये चीज हासिल कर लूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप उस इस्तराब की कैफियत में नहीं आते तब तक आपको उस चीज की वैल्यू भी समझ में नहीं आती. ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. रानी और शम्मो का सामना होता है और शम्मो जो है वो अब एक बड़े कूल किस्म के मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं और वो निगार बेगम का मेकअप कर रहे हैं और वहां पर उनका सामना रानी से होता है. एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल सी हाउ द स्टोरी ट्रांसपायर्स फॉरवर्ड. आई थिंक दोनों की स्टोरी लाइन में मेन फर्क यही है कि शम्मो जो है उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी मेहनत से जो भी उन्होंने किया वो किया, लेकिन रानी को शॉर्टकट चाहिए था, उनको नोटों के ऊपर चलना था, उन्होंने अपनी फैमिली को फोर्सेक किया. फोर्सेक तो शम्मो ने भी किया, लेकिन क्या दोनों की स्टोरी सिमिलर है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक के दोनों के अंदर थोड़ा सा क्रूशियल फर्क ये है कि रानी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा सुपरफिशियल थी और वो दूसरों को नीचा दिखाती थी, यानी उसे शम्मो के नाचने गाने को नीचा दिखाया जबकि खुद इवेंचुअली उसको इसी नाचने गाने के ऊपर सजा फेस करने को मिली. दूसरी तरफ शम्मो जो है उसने मेहनत की, मजदूरी की और उसने एक बिल्कुल हार्ड वर्किंग तरीके से वो जहां पहुंचा वो पहुंचा. सो आई थिंक ये थोड़ा सा क्रूशियल फर्क है दोनों में. इट वाज अ रियली लवली एपिसोड. इसकी सारी एपिसोड्स ही बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई हैं. मुझे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम लगता है वो ये लगता है कि आगे जाके जो हमें जो मेन बात जो हमें समझने वाली है वो यही कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और वी नीड टू जस्ट बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, वी हैव टू बी केयरफुल फॉर व्हाट वी विश, क्योंकि कभी कभी जिंदगी जो है वो आपको बड़े दूसरे तरीके से सबक सिखाती है. So I really want to see कि ये eventually इसको tie up कैसे करते हैं, because यही main test होता है किसी भी drama का या किसी भी story का, कि वो जिस climax की तरफ या जिस point की तरफ audience को लेके जा रहे हैं उस point पे आके क्या वो audience को convince कर सकते हैं या नहीं. So let's see what will happen in the next upcoming episodes of Alif Allah aur Insaan. Thank you for listening to this review. You can listen to more reviews on patari.pk and if you're watching this video on Facebook, please like our Facebook page, or if you're watching this on YouTube, please click on subscribe. The links are in the description. Take care of yourself. Have a nice day. Khuda Hafiz.